स्पॉट बॉय वहीं पे रुको। Satish, if you want, you can keep a bike in between. Okay. And then you can shoot. अब तो और करेंगे तुम जैसे बोलिए। अच्छा ठीक है, ओके चल आ जा, प्यार से रोकर आ जा, प्यार से रोकर आ जा। सर यहाँ पे देख लो, आज बाइक खरीदने आया। बाइक मेरे दोस्त की ये शॉप है ग्रीन ग्रीन कस्टम्स, सो ही डिजाइन्स बाइक्स, सो आज मैं वहाँ आया हूँ और एक बाइकर लुक का शूट था मेरा, सो फॉर दैट आई कम हियर एंड मैंने कहा इससे अच्छा मौका ही हो सकता है, मेरे दोस्त की शॉप, मेरे दोस्त का शोरूम है यार, तो मैं फायदा करना उठाऊँ अपने दोस्तों का, सो दैट इज़ द होल। उस तरफ हो जाए लाइट अच्छी मिलेगी सर, उस तरफ करते हैं लाइट। हाँ जी रुक गया, सर यहाँ पे लेफ्ट में।
थैंक यू पूछ लेना। थैंक यू सर। बस हाइट छोड़ा था आपका पिक्चर थोड़ा सा आपका पिछले और आई डी हाँ ठीक है।
इसी में काटना पड़ेगा या कोई एक एक्शन होगा जहाँ पे आप जाओ ऐसे कैमरा इस साइड से जैसे वो चल ट्रांजिशन वन मोमेंट हेलो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे व्हाट इज द कांसेप्ट टुडे बिकॉज़ वी कैन सी एन नंबर ऑफ बाइक्स ओवर हियर या सो द लुक जो मैं आज शूट कर रहा था वो बाइकर्स लुक है सो व्हाट बेटर देन कि मेरा दोस्त है जिसका ये शोरूम है मीन ग्रीन कस्टम्स जो कि बाइक्स कस्टमाइज करके देते हैं एंड अभी रिसेंटली उन्होंने धोनी के लिए भी काम कर रहे हैं मिस्टर धोनी के लिए भी काम कर रहे हैं सो मेरे जो फोटोग्राफर फ्रेंड हैं सतीश उन्होंने बोला कि कुछ बाइक पे शूट करना है तो मैंने सोचा यार मेरे दोस्त की ही शोरूम है तो क्यों नहीं वही वो करते तो आज आप जैसे देख सकते हैं कि आपको बहुत ही अलग बाइक्स देखने को मिलेंगी और उसी पर हमारा शूट चल रहा है सो या इट्स समथिंग डिफरेंट यू विल गेट टू सी द कॉन्सेप्ट केम टू माई फोटोग्राफर फ्रेंड सतीश सो ही सेट कि एक बाइकर लुक भी करते हैं ऐसे हम सोच रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट जैसे हम सुबह टाउन में शूट करते हैं वेरी एलिगेंट वेरी लॉन्ग कोट टाइप बिजनेस टाइप तो अलग अलग टाइप्स की शूट कॉन्सेप्ट थे उनमें से बाइकर लुक भी था तो वही सोचा कि एक बाइकर लुक करते हैं बाइक पे होना चाहिए बाइक का कुछ रिलेशन तो उन्होंने पूछा कि आपका कोई फ्रेंड है जिसके पास बाइक है या तेरे पास बाइक है तो मैंने कहा मेरे पास बाइक तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली बॉम्बे में बट या मेरे फ्रेंड का शोरूम है एंड लेट्स शूट देयर एंड ऑल एग्रीड एंड यस इट्स हैपेंड फिर साथ ही हमेशा से हमने देखा है सभी आपको बहुत पसंद करते हैं इन योर एवरी रोल थैंक यू सो मच व्हाट इज द अपकमिंग एंड व्हाट इज द न्यू समथिंग सो नो आई कंप्लीटेड टू मूवीज वन इज़ कॉल्ड काबूम एंड व्हाट वन इज़ कॉल्ड मिसफिट ये दोनों रिलीज़ पर हैं अब देखते हैं कि थिएटर में एक जो है कह रहे हैं थिएटर में रिलीज़ होगी फिर ओटीटी पे आएगी बट एक
पहले से ही OTT प्लेटफॉर्म की रिलीज़ है. सो होपिंग इस साल फर्स्ट हाफ में आ जाए, बिकॉज ऐसे ही लग रहा है जो बातें चल रही हैं. सो ये दो प्रोजेक्ट्स हैं. बाकी एक और मैंने शॉर्ट, जैसे कि आप, मैं करता रहता हूँ कुछ ना कुछ शॉर्ट मूवीज़, तो अभी जो मेरी बहुत अच्छी हॉटस्टार की गई थी पात्र, तो उसकी वजह से एक और हॉटस्टार ने मुझे ऑफर करी थी, तो वो भी रिलीज़ पे है. जैन एंड या फेब में वो भी रिलीज़ होने वाली है. और बाकी टी एड्स तो मैं करता ही रहता हूँ, बट अभी मेनली मेरा फोकस वेब सीरीज़ एंड एक तरह से मूवीज़ में है. तो ये जो सारी लुक्स है, ये लोगों को ये बताने के लिए कि भैया मैं ये भी कर सकता हूँ कॉमेडी के अलावा. बट हाँ, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक जो भी मेरे रोल्स करे हैं या जो भी अभी मेरी मूवीज़ आने वाली हैं, तो उनमें बहुत ही अलग रोल्स हैं. मतलब वो आपको सेम साहिल देखने को नहीं मिलेगा. सो वॉट आई एम डूइंग फ्रॉम माई एंड इज़ choosing those roles which are very different from each other. So that is one thing which you'll get to see. कुछ हिंट देना चाहेंगे किस तरीके का किरदार होगा? देखिए, एक तो एक मिसफिट है, आप समझ सकते हैं कि क्या मिसफिट है, बट इट्स अ ऑफिस स्टोरी. एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑफिस के ऊपर है कि एक लड़का है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही सब कुछ है, बट बहुत कम बात करता है, मिसफिट है ऑफिस में. मतलब लोग उसे ऐसे समझते हैं कि मिसफिट है, चाहे वो सबसे अच्छा काम करता है ऑफिस में. और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या लोग उस पर ऑफिस में कमराडरी, जो ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है, तो वो बहुत कुछ देखने को मिलेगा. और बहुत ही सीरियस कैरेक्टर है. मैंने मतलब आज तक ऐसा परफॉर्म नहीं करा, और ना ही शायद देखा है कि इतना सीरियस लड़का है कि आप उसे 10 लाइनें बोल दे तो वो रिएक्ट भी नहीं करते. मतलब बहुत ही अलग कैरेक्टर है. तो बहुत मज़ा आया था वो प्ले कर. और दूसरा मैं ये कहूँगा कि एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर है, जो काबू मेरी मूवी आने वाली है. तो वो बहुत है कि कॉलेज से निकलते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, और कैसे सक्सेस मिलता है, कितनी हार्डशिप होती है एक एंटरप्रेन्योर बनने में, और क्या क्या करना पड़ता है, तो उसके ऊपर स्टोरी है. सो बहुत ही डिफरेंट है. तो वही है, जैसे पिछले साल मेरी दो वेब सीरीज़ आई थी, तो दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट थी. एक के लिए UP भाषा मुझे सीखनी पड़ी थी, एक के लिए थोड़ी बिहारी सीखनी पड़ी थी. सो आई एम ट्राइंग डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो व्हाट आई एम डूइंग. मुझे लगता है कि जो मेरा फेवरेट है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ शायद फेकनेस नहीं दिखानी पड़ेगी, या आई विल बी व्हाट आई एम एंड व्हाट आई विल परफॉर्म इज खतरों के खिलाड़ी. बिकॉज मेरी शुरुआत ही रोडी से हुई थी, और वो टास्क और वो सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है. तो अभी तक मौका नहीं मिला, या वर्कआउट नहीं हुई चीज़ें उसकी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती थी वर्कआउट. एंड आई होप कि इस बार वर्कआउट होए, और मैं दिखा सकूं कि मतलब वो एक होता है ना कि यार करना है, मतलब टास्क, मज़ा आता था मुझे, एड्रेनल रश होता है मेरे को, तो वो बहुत पसंद है मुझे. This isn't Big Boss, कितना फॉलो कर रहे हैं? जी मैं आपको सही बोलूं ना, मैं पहले करता था ना, मैंने अपना वाला फॉलो करा ना, उसके बाद मैंने कोई करा, पता नहीं. आई एम नॉट कि मैं ज़्यादा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के लोगों की प्रॉब्लम्स देखूं. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों की प्रॉब्लम्स देखने में या कुछ. मेरे को ये होता है कि मैं सॉल्व करूं, जो कि मैं कर रहा था बिग बॉस में लोगों की प्रॉब्लम्स, और मैं बाहर आ गया इसी कारण कि मैं सॉल्व करने लग गया था प्रॉब्लम. तो ऐसा हूँ मैं, मेरी नेचर ऐसी है. तो येस, आई लाइक टू सॉल्व थिंग्स आउट, बट यही लड़ाई झगड़ा ये वो आगे, इतना यार यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है, इतना काम ये वो, और बहुत और चीज़ें होती हैं. और मैं लोगों को भी ये देखूँ तो वो मुझे पसंद नहीं है. मैं तो टीवी दो तीन साल से मैंने तो वो ही नहीं लिया, सब्सक्रिप्शन ही नहीं लिया टीवी का. इस सीज़न में कौन कौन गया है? कौन शालीन भनोट को मैं जानता हूँ, क्योंकि वो भी अपेरेंटली रोडीज से थे, तो मेरा भी करियर रोडीज है, तो रोडीज़ का एक कनेक्शन होता है. तो आयुष्मान के सीज़न में थे, आज ही मेरे से कोई कह रहा था कि शालीन भनोट, तो मैंने उनको बोला हाँ हाँ मुझे याद है. तो कभी कभी मिलना होता है बस, ऐसी ज़्यादा नहीं, आई डोंट नो हिम मच पर्सनली, बट यस जब भी मिलते हैं बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं. दैट्स हाउ आई नो हिम. या सी अब क्या हो गया है कि पहले अगर आप कुछ भी OTT आने की वजह से, यू हैव टू बी वेरी गुड इन योर आर्ट, व्हाट आई फील. क्योंकि आजकल, पहले होता था कुछ OTT, अब हर रोज नया OTT आ रहा है. अब टू आउटशाइन यू हैव टू, ईदर द स्क्रिप्ट हैज़ टू बी ब्रिलियंट,
ईदर योर परफॉर्मेंस हैज़ टू बी ब्रिलियंट. सो मैं ये कह रहा हूँ कि अब पहले होता था कि बहुत OTT बन रहा है, सबके पास काम है, सबके पास काम है. अब काम तो आ जाता है बट यू हैव टू चूज़ कि क्या आपके लिए भी सही है क्या नहीं है, क्योंकि एक गलत रोल भी आपको डाउन लेकर जा सकता है. एंड जैसे आप वही मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा एक रोल कर लूँ जहाँ मेरे को कुछ परफॉर्म ना और लोग देखे भी ना. बहुत बार ऐसा होता है कि आप अच्छा काम करते बट वो इतना आउटशाइन नहीं करते प्रोजेक्ट्स, तो आपकी कहीं ना कहीं मेहनत वेस्ट चल जाती है. तो मेरा ये मानना है कि यू हैव टू कि ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही दिग्गज होना चाहिए आपको, तो आप दिखोगे, वरना आते जाते रहेंगे प्रोजेक्ट्स और पता भी नहीं चलेगा आपको, और आप यही पूछते रहेंगे कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो. तो ये है हमारी इंडस्ट्री में. हाँ जी, हमने आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे भी देखा कसौटी जिंदगी के सभी जितने कास्ट सभी के साथ एक मिलन एंड ऑल जो होता है एक साथ फिर मिलना. साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने तो लाइक आज भी अगर बार बार लोग देखते तो बार बार उनका मन करता है हम देखते ही रहे. yes, कभी yes, नहीं yes. करता. क्या उन सभी फ्रेंड्स से एक साथ मिलना होता है? और हाल ही में तो आलिया भी अभी मूवी बनी. हाँ नहीं, मैंने विश करा था ट्विटर पे विश करा था, बट ऐसा है कि अब सब अपने बिजी होते हैं लाइफ में, बट बहुत कम प्रोजेक्ट्स होते हैं. जैसे कसौटी का ले लीजिए, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हम सब मिल लेते हैं या एक दूसरे से बात कर लेते हैं या किसी के सुख दुख में एक दूसरे को कॉल कर लेते हैं अगर मिलना नहीं होता, बट मोस्टली हम मिल लेते हैं. एंड ये मैं नहीं, सब हम कसौटी वाले ये कहते हैं कि यार ये कैसा प्रोजेक्ट है यार, मतलब कि आप 100 प्रोजेक्ट करते हो और फिर आप दूसरे में बिजी होते हो, तो आप क्या होता है कि इट्स ऑटोमेटिकली, ऐसे नहीं कि आप अटेंशनली उनसे दूर जाना चाहते हो या कुछ है, आप ऑटोमेटिकली क्योंकि आप बिजी हो जाते हो, आपके दिमाग में काम 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 सारा टाइम होता है, तो आप भूल जाते हो. बट ये एक प्रोजेक्ट है कि यार हम भूल के भी वापस वहीं आ जाते हैं कि यार, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद फैमिली बन गए हम सब. वैसा शायद स्टूडेंट ऑफ द ईयर में नहीं हुआ कि फैमिली नहीं बन पाए, बट हाँ अच्छी फ्रेंडशिप है. मतलब बात कभी कभी हो जाती है तो हो जाती है, कभी मिल लिया तो मिल लिया वरुण से, या कभी दिख गए तो दिख गए, बट एज सच वो नहीं है. यस यू आर राइट. क्या हम और एक व्हाट कैन आई से स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 आया है, फिर और भी लोगों के अगर डिमांड्स होंगे तो क्या हम फिर से देख सकते हैं? तो मैं 2 में भी था तो मुझे यही लगता है कि हम इतने लकी चाम हैं कि मैं इतना लकी चाहूँ कि मैं 3-4 मतलब ऐसे पता नहीं दादा परदादा क्या बना देंगे यार मुझे क्या होगा. बट या आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर जब जितने भी पार्ट्स आते हैं, बिकॉज ये एक सीरीज ही एक तरह से हो गया, Part 1, Part 2 दोनों आए हैं एंड आई एम पार्ट ऑफ बोथ, सो आई एम वेरी ग्लैड अबाउट दिस. बस मैं ये कह रहा हूँ यार, आई रियली लव आपका प्यार, मुझे इंस्टाग्राम पे दिखता रहता है, और आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है और मुझे इतना प्यार देते हो कि मैं ओवरवेल्म्ड हूँ. एंड बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहो, और मैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आऊँगा आपके सामने, और प्लीज़ आप देखो और अपनी बस मतलब दुआएँ दो, बस दैट्स व्हाट आई वांट टू से. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.